शहर की साफ सफाई और सुंदरता को लेकर पदभार करते ही एक्शन मोड पर दिखे प्रशिक्षु आयुक्त लक्ष्मण तिवारी। देर शाम 3 घंटे पैदल बाजार का निरीक्षण उन्होंने किया। दुर्ग नगर पालिका निगम में सहायक कलेक्टर लक्ष्मण तिवारी को प्रशिक्षु आयुक्त के रूप में 1 महीने के लिए पदस्थ किया गया है। वे 21 नवंबर से 23 दिसंबर तक यहां पदस्थ रहेंगे। इस समय अवधि में वे निगम के कामकाज सहित अन्य कार्यों को समझेंगे। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर शहर की सुंदरता और साफ सफाई को लेकर सहायक कलेक्टर निगम में पदस्थ प्रशिक्षु आयुक्त लक्ष्मण तिवारी एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने अधिकारियों के साथ इंदिरा मार्केट मोती कॉम्प्लेक्स से निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने इंदिरा मार्केट क्षेत्र में दुकानदारों और फल ठेले वालों को सड़क पर कचरा बिखराने वालों पर एक्शन लिया, जिस पर सहायक कलेक्टर ने उन्हें समझाइश देते हुए कहा कि शहर आपका है, शहर की सुंदरता की जिम्मेदारी भी समझिए। साथ ही दुकानदारों को अंतिम बार समझाइश देते हुए कहा कि इसके बाद भी व्यवस्था बिगड़ी तो कार्रवाई की जाएगी, साथ ही जुर्माना वसूल किया जाएगा। सहायक कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान कार्यपालन अभियंता प्रमोद दुबे, स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली, अतिक्रमण अधिकारी शिव शर्मा, सहायक राजस्व अधिकारी दुर्गेश गुप्ता एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।